आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। जिले के विशुनपुरा प्रखंड में झारखंड सरकार द्वारा लॉकडाउन के पहले दिन प्रखंड क्षेत्र सुबह में मिला जुला असर दिख रहा है। वहीं लॉकडाउन को लेकर स्थानीय प्रशासन चौक चौराहों पर खड़े होकर लोगों को अनावश्यक घूमने वाले ग्रामीणों को बेवजह न घूमने की अपील कर रहे हैं। प्रशासन द्वारा कड़ाई से पालन करने का मात्र दिखावा किया जा रहा है, जबकि दोपहर के बाद शहर में काफ़ी संख्या में निजी वाहन चालक सड़क पर चलते दिखाई पड़ने लगे। दोपहिया वाहन चालक भी सड़कों पर काफ़ी संख्या में हैं। वहीं अनावश्यक रूप से सरकार द्वारा वर्जित दुकान भी दुकानदार खोलकर बैठे हुए हैं। अभी तक प्रशासन के लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा है। प्रशासन आंखें मूंदे बैठी हैं। थोड़ी लापरवाही से कितनों की जान जा सकती है, इसका अंदाजा शायद विशुनपुरा के BDO थाना प्रभारी को नहीं है। जबकि सरकार द्वारा दिए गए आदेश के उल्लंघन पर IPC की धारा 188 के तहत कार्यवाही का प्रावधान भी है। प्रखंड में नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। गढ़वा झारखंड से श्रवण कुमार पासवान की रिपोर्ट। विशुनपुरा प्रखंड की सभी जनता को जो कोरोना वायरस को लेके जो जनता कर्फ्यू एवं लॉकडाउन का की गई है सरकार के द्वारा, इसमें भरपूर सहयोग दें और लोग घर में ही रहें, अनावश्यक रोड पे नज़र ना आए। और क्योंकि सभी प्रतिष्ठान, दुकान, ऑफिस, कार्यालय सर बंद किए गए हैं, केवल जरूरी आवश्यक सुविधाएं जो हैं, दवा दुकान, दूध, सब्जी, राशन, ये खुले रहेंगे, बाकी सभी बंद रहेंगे। तो सभी घर में रहें और कोरोना से लड़ने में मदद करें प्रशासन को। कुछ कुछ दुकानें खुली रह रही हैं सर, इसमें आपका क्या कार्रवाई होगा? अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मार्केट से थाना प्रभारी के साथ मार्च करते हुए पूरा मार्केट घूमे हैं, लोगों को बंद करने की अपील किए हैं। इसके बावजूद अभी फिर हम लोग देखेंगे, यदि दुकानें खुली रहेंगी तो प्रशासन की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना वायरस के संबंधित जनता से अपील है कि दवा दुकान और राशन किराना दुकान सिर्फ खुला रहेगा, इसके अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगे। अनावश्यक एक जगह 5 आदमी से ज़्यादा नहीं रहेंगे। एक ये